वाला हूँ हरियाणा से और यहाँ पर लीडर ट्रेन हूँ स्काउट एंड गाइड के अंदर जाएंगे आप। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतने दिन के बाद जब ट्रेन चली है लोगों को बड़ी राहत मिली है। वो जो टैक्सी वाले लोग थे वो 200-250 रुपए किराए की बजाय 600 रुपए लेते थे, बस में किराया 250 रुपए है, ट्रेन के अंदर 450 रुपीज है शिमला से कालका। सुविधा है लोगों को टॉयलेट्स की, पानी की, उतरने की, बैठने की, बीमार आदमी लेट भी सकता है। रेलवे वालों का व्यवहार भी अच्छा है, स्पीड भी कम है, रिस्क भी कम है और वो जो चार्म है एक टॉय ट्रेन का उसको भी वो अपना फुलफिल करते हैं, वो एंजॉय करते हैं। और बात स्काउट्स के ये सौभाग्यशाली है, उन्होंने आज इस ट्रेन का उद्घाटन किया है, उसमें कंप्लीट सीटें फुल है स्काउट एंड गाइड के। जो सभी बच्चे आए थे चाह रहे थे, हम भी चाह रहे थे कि हम इसको देखें और इसको हमें हमारी आशा पूरी हुई और ये शिमला के लिए भी बेस्ट है, आम आदमी के लिए बहुत ही बेस्ट है, जो सरकार की एक अच्छी पहल है। मेरा सर नाम अमित शर्मा है। आपको नहीं सर रात में इसकी जानकारी? हाँ, तो आपने क्या सोचा कि आज अगर वापस ऐसे चलेंगे वापस? तो पहले आपने टॉय ट्रेन में सफर किया है? हाँ सर। तो अब काफी समय बाद जो ट्रेन यहाँ पे चल रही है तो आपको कैसा लग रहा है? और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। रेलवे का धन्यवाद। स्काउट की ट्रेन आज जा रही है तारा देवी से। हाँ जी, हाँ जी। तो स्काउट एंड गाइड के अच्छा आप वहाँ से अपने बच्चों लेकर कैंप लगा हुआ था, कैंप लगा था और बहुत सारे सभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। आज पहली बार चल रही है ट्रेन काफी दिनों बाद, बहुत बढ़िया। आम पब्लिक को तो पता भी नहीं कि आज ट्रेन चल रही है और पहली बार में पूरी ट्रेन फुल होके जा रही है। तो सबसे पहले मौका आपको मिल रहा है क्योंकि आपदा के बाद जो है, और आज पहला मौका भी सर जैसे टेस्टिंग हो रही है और लाइफ का भी मेरा पहला अनुभव है कि मैं ऐसी ट्रेन में बैठ रहा हूँ। पहली ट्राइड बन से पहले तो आपको था कि आप कभी टॉय ट्रेन में बैठेगा? आपको जब आप यहाँ पे शिमला कैंप लगाने आए थे तो दोस्तों ट्रेन बंद थी, ट्रेन बंद बिल्कुल थोड़ी इसी आशा के साथ में आए थे कि हम उस ट्रेन में बैठेंगे, लेकिन थोड़ी निराशा हुई और ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं, माता रानी देवी का धन्यवाद करते हैं, शायद हमारे लिए ये ट्रेन चलाई क्योंकि आज हमारा लास्ट था, हमने जाना था और आज ये ट्रेन चली हमारे लिए। क्योंकि आप लोग खुश है? बिल्कुल बिल्कुल खुश है। थैंक यू सर, गवर्नमेंट का भी धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है कि ट्रेन में बैठना, पहाड़िया रास्ते में दिखाई देती हैं बच्चों को, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी होती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों को। हाँ सर, 10-12 साल से कर रहे हैं हम उस ट्रेन में। अच्छा अच्छा, तो काफी समय आप आते हैं कैंप लगाने, तो हर बार जब आप आए थे तो कैसे आए थे और अब कैसे जा रहे हैं? तो बस में आए थे ना सर, पता ही नहीं था, तो कल लेटर इशू है रेलवे का। विपिन कुमार नाम है और रेवाड़ी से हरियाणा से हूँ। जी जी, और पहली बार इस ट्रेन में यात्रा करूँगा, लेकिन इसमें फोटो में देखा कि बर्फ के अंदर ये चल रही है, अब वो चीज अब की बार हम नहीं कर पाए। चलिए, बर्फ तो अभी हमारे दिसंबर जनवरी में पड़ रही है, वही बात पता लगी ना, बर्फ अभी नहीं पड़ रही है तो उसका और आनंद लेते, कभी फिर कभी आएंगे। चलो आज आप आनंद लेंगे, सफर का देख लेते हैं, नजारा देखेंगे, कभी फिर बर्फ का भी आनंद।